राजधानी शिमला में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज की ओर से दी गई। क्या कुछ खास रहा कि बैठक में, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल के स्कूलों में रौनक एक बार फिर लौटने वाली है। एक बार फिर स्कूल बच्चों की चहलकदमी से चहकेगा, क्योंकि प्रदेश में 17 फरवरी से प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद अब सरकार सभी स्कूलों को खोलने का फैसला ले चुकी है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। साथ ही जिम, सिनेमाघरों और सभी तरह के लंगरों को खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है। 17 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो नॉर्मल रूप में जो है खुल जाएंगे। बाकी भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी लंगर, जिम इत्यादि पर, वो भी समाप्त हो जाएंगी। नॉर्मल प्रोटोकॉल जो मास्क का है, 2 गज की दूरी का है, वो जो है वो मेंटेन करते रहेंगे। शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की, जिसमें और भी कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करें तो 1.73 लाख पेंशन भोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। वहीं 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाएगी। 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन 3,500 रुपए प्रति माह से बढ़कर 9,000 रुपए की जाएगी। 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। एनपीएस कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, जिस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 जुलाई 2021 से पेंशन भोगियों को 31% महंगाई राहत भत्ता मिलेगा। संशोधित पेंशन का लाभ देने के लिए राज्य सरकार सालाना 1,785 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से और भी कई बड़े फैसले लिए गए, जिससे प्रदेश सरकार पर खर्च का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, लेकिन साथ ही प्रदेशवासियों को सरकार के इन फैसलों का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति दी है। 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ होगी और पहले दिन की कार्यवाही उनके अभिभाषण पर ही खत्म होगी। ऐसे में इंतजार अब बजट सत्र का है। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।